में है। ये MS स्कूल में जो आज जो इंसिडेंट हुआ, जो बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आंख की ऐनक फूटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आंख डैमेज हुई, बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ, लोग हॉस्पिटल लेकर गए बच्चे को। डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबजाई करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको ना आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है, हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो FIR कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वैसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें, और बच्चे का पूरे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखे, अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालदेन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी, पूरे अखराजात हो या जो भी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेंगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ़ भी एक्शन, उसके ख़िलाफ़ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ़ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आँख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतज़ाम है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जो कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ़ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आँख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है, मासूम बच्चा है, उसके ऊपर ना सिर्फ इंतज़ामिया अपने टीचर को बचाने आए बल्कि बच्चे की रेस्क्यू के अंदर आना इंतज़ामिया का काम है। उनके भरोसे के ऊपर टीचर के भरोसे के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता स्कूल को, मैनेजमेंट इंतज़ामिया के भरोसे के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को आपके हवाले कर रहे हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे की आँख रेस्टोर होना, उसके लिए वालदेन फिक्रमंद है, परेशान है, जितना वालदेन परेशान है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया को भी परेशान होना चाहिए उसके लिए।